हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं छात्रवृत्ति अर्थात वजीफे से रिलेटेड एक बहुत बड़े अपडेट की हम बात करेंगे। यहां दोस्तों, जैसा कि आपको सिंपली स्क्रीन पर दिख रहा होगा, छात्रवृत्ति के लिए 1 करोड़ छात्रों का बनेगा यूनिक कोड। दोस्तों, ये क्या है न्यूज, इसको देखने के लिए आपको डिटेल में पूरा वीडियो देखना है। ये आधार कार्ड से रिलेटेड ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसा दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, आधार कार्ड का रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए उठाया कदम, सीट्रान इंडिया लिमिटेड को कॉम सौंपने की तैयारी की गई है। दोस्तों, यहाँ बताया गया है राज्य सरकार की तरफ से किया गया है, यूपी राज्य सरकार की तरफ से ऐसा किया गया है कि छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना में 1 करोड़ छात्रों का यूनिक कोड तैयार किया जाएगा। पहला दोस्तों यहां पर यह है, जो आपकी छात्रवृत्ति है और शुल्क भरपाई के लिए 1 करोड़ स्टूडेंट का यूनिक कोड तैयार किया जाएगा अलग से। दोस्तों, यहां पर यह बताया गया कि आधार कार्ड नंबर पर यह यूनिक कोड बनाया जाएगा। आधार कार्ड नंबर के आधार पर आपका यह यूनिक कोड बनाया जाएगा। यूनिक आपका जो होगा दोस्तों, ये आपका होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है आपका UIDAI ने प्रदेश सरकार को आधार सुरक्षित करने के लिए इसकी अनुमति दे दी है। दोस्तों, और बताया गया है कि प्रदेश में यह कार्य सीट्रान इंडिया लिमिटेड को सौंपे जाने की तैयारी चल रही है, और साथ ये कहा जा रहा है कि इससे आधार कार्ड में दिया गया ब्यौरा न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा बल्कि इसके दुरुपयोग की आशंका भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि आधार कार्ड नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस समय किसी भी कार्य करने के लिए आपको कोई भी आप कानूनी काम या कैसे भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड या आप किसी भी क्षेत्र में करते हैं तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं आपका आधार कार्ड नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। इसी मद्देनजर को रखते हुए दोस्तों यहाँ पर यह पॉइंट को अपनाया गया है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसको दोस्तों पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कहा गया है कि UIDF को यहां पर जो सौंपा गया है वो सीट्रान इंडिया लिमिटेड कंपनी को यहां सब सौंपा गया है कि ये सुरक्षित इसे रखेगी। इससे बताया गया कि आधार कार्ड में दिया गया ब्यौरा न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा बल्कि यह इसका दुरुपयोग कोई भी अन्य नहीं कर सकेगा। दोस्तों, वहां पर यह भी बताया गया, फेसबुक समेत कई कंपनियों लोगों ने निजी डाटा का इस्तेमाल करने के लिए प्रकाश के आने के बाद आधार नंबर लेने से उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। वही दोस्तों बताया गया कि यही वजह है कि इस बार NIC ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के आधार पर लेने से इंकार कर दिया है। दोस्तों, यहां पर यह भी बताया गया है कि इस बार जो NIC ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आधार लेने से इंकार कर दिया है। किसका आधार लिया गया, किसका नहीं लिया गया, दोस्तों यह भी बताया कर दिया गया था। NIC ने यह भी कहा है, NIC का कहना था कि उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार से वो क्या करे, आधार नंबर लीक होने की आशंका को समाप्त के। मतलब दोस्तों, NIC का कहना यह था कि अगर हम आधार नंबर आपका लेते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है जिससे मैं आपके आधार नंबर को लीक होने से रोक सकूं। मतलब आपका आधार नंबर लीक हो सकता है, इसकी ये आशंका थी। यही वजह थी कि इस सत्र में जितने भी छात्रों के छात्रवृत्ति जो हुई थी, शुल्क भरपाई के लिए आवेदन किया गया था, उनमें किसी का भी आधार नंबर नहीं लिया गया। यहां बताया गया दोस्तों, रिन्यूअल कैटेगरी में आवेदन करने वाले छात्रों का आधार नंबर तो संबंधित विभागों के पास पहले से है, पर फ्रेश कैटेगरी मतलब जो आपके रिन्यूअल जो मतलब सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में तो सेकंड ईयर फाइनल जैसे भी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं तो आपका क्या है कि जो रिन्यूअल करा रहे हैं उनका तो क्या है, आवेदन करने से आधार नंबर पहले से ही विभागों के पास अर्थात उपलब्ध है। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, पहली बार है, फर्स्ट ईयर में है, उनका क्या है, फ्रेश कैटेगरी के जो आवेदन करने वाले हैं उनका जो है, उनका क्या हुआ है, उनके लिए ये सुविधा आई थी कि आपका आधार नंबर नहीं मांगा गया अगर फ्रेश कैटेगरी, तो इस बार भी आपके आवेदन के लिए, छात्रों के लिए आवेदन के लिए क्या आधार नंबर नहीं मांगा। यह बता दें कि यही पहले योजना का लाभ ले चुके छात्रों को रिन्यूअल और विभिन्न पाठ्यक्रमों में पहली बार आवेदन करने वाले छात्रों को फ्रेश कैंडिडेट्स कहा जाता है। मतलब आप कहेंगे फ्रेश कैंडिडेट्स कौन है, तो फ्रेश कैंडिडेट्स जो पहली बार हो रहे हैं और रिन्यूअल वे हैं जो आपके सेकंड ईयर फाइनल ईयर ऐसा कह सकते हैं, या आपका मतलब कुल मिलाकर फर्स्ट ईयर में जो आते हैं, ठीक है, आप किसी भी में जो फर्स्ट बार एडमिशन लेते हैं तो आपका वो क्या होता है कि पहली बार आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्या होगा, रिन्यूअल नहीं होगा, वहाँ पर आप फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे। रिन्यूअल वो होते हैं जो आपके फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं। इसी आधार पर कहा गया कि इस योजना में घपले और डुप्लीकेसी को दूर
करने के लिए आधार नंबर लिया जाना आवश्यक है। दोस्तों ये भी बताया गया कि वही वजह है कि प्रदेश सरकार ने UIDAI से आधार रखने की अनुमति मांगी थी। UIDAI ने आधार वाल्ट के आधार पर सुरक्षित रखने की शर्त के लिए अनुमति दे दी है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि श्रीटान इंडिया लिमिटेड के पास आधार वाल्ट उपलब्ध है जिसकी वजह से किसी की भी आधार नंबर पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। यह कंपनी प्रत्येक आधार नंबर के लिए एक यूनिक कोड तैयार करेगी। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, इसके आधार पर विभागीय अधिकारियों की जांच कर सकते हैं कि आधार नंबर उसी छात्र का है, उसी व्यक्ति का है या नहीं, मतलब जिसका ये आधार कार्ड है उसके आधार पर ये ज्ञात कर सकेंगे। यूनिक कोड मिलने पर आधार कार्ड के दिए हुए किसी भी ब्यौरे की जानकारी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ इतना बताया गया है कि आपके लिए आधार कार्ड, प्रत्येक आधार कार्ड के लिए अब आपके लिए क्या होगा, नंबर के लिए यह कोड फिर से आपके लिए मतलब एक कोड बनाया जाएगा। तो कितने स्टूडेंट छात्रवृत्ति के जो आवेदन हो रहे हैं, लगभग 1 करोड़ छात्रों के लिए ये यूनिक कोड बनाया जाएगा जिससे आपके कोई भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ना हो। तो ये राज्य सरकार के ये निर्देश दिया गया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये सही लगी तो आपको वीडियो को लाइक करिएगा और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।